वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 13 कौन है? हु ओन्स दिस, मतलब ये किसके बारे में है? हम सभी के बारे में है, ये किसका है? ठीक है. द हाइलाइटिंग वर्ड्स शोन हु ओन द थिंग्स, मतलब वो चीज़ें, वो पर्सन, वो किसका है, वो एनिमल किसका है, वो पर्सन किसका है, वो थिंग किसकी है, इन सभी के लिए हम जो चैप्टर में अब जो रेड कलर के वर्ड्स देखेंगे, हाइलाइटेड वर्ड्स देखेंगे, वो क्या रहेंगे? वो चीज़ों के बारे में बताएंगे जो पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल की है. जैसे कि शूज़, माय शूज़, मेरे शूज़. किसके हैं शूज़? मेरे, तो माय शूज़. और हम बोल रहे हैं योर शूज़, मतलब योर मतलब तुम्हारे शूज़. माय मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा. हीज़ मतलब बॉय है, इसलिए हम यूज़ करेंगे हीज़. His book, उसकी किताब. और हर बुक कब यूज़ करेंगे? हर वर्ड यूज़ होगा जब किसी लड़की के लिए हम बात करेंगे. हर बुक, उसकी बुक. देयर हाउस, उन लोगों का, एक से ज़्यादा लोगों का घर है और उनमें हम इन्वॉल्व नहीं हैं, तो हम क्या बोलेंगे? देयर हाउस. और अगर मैं अपने घर के बारे में बात करूँगी, मेरा घर है, तो हम बोलेंगे आर हाउस, हमारा घर. ठीक है, हम बोलते ना उनका घर तो देयर हाउस और हमारा घर आर हाउस. इट्स टॉय, इट्स मतलब कौन, इट कौन होता है स्टूडेंट्स? एनिमल्स के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो होते हैं इट. तो इट्स टॉय, इसका टॉय. इज इट क्लियर? मेरा है तो माय वर्ड यूज़ होगा, तुम्हारा है तो योर. कोई बॉय का है तो हिज, और कोई गर्ल का है तो हर. किसी और का है, एक से ज़्यादा है वो लोग, तो देयर. अगर उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं भी उसके साथ में हूँ, तो हमारे के लिए हम यूज़ करेंगे आर. एनिमल का है तो इट्स. ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. सो कम ऑन द पेज नंबर 43. नाउ स्टूडेंट्स, क्या बोला है? यूजिंग द क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट्स. यहाँ पर क्लूज दिए हैं ब्रैकेट में, फिलिंग द ब्लैंक्स टू शो हु ओन्स. हमको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है और बताना है कि वो किसका है. ठीक है. सो डैश माई मदर इज़ एन इंजीनियर. आई मतलब मेरा, तो माय का मतलब भी क्या होता है? मेरा. माई मदर इज़ एन इंजीनियर. छी कोई लड़की है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हर. हर फेवरेट कलर इज़ रेड. वी के लिए क्या यूज़ होगा बच्चों? आर. वी मतलब हम, और हमारे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आर. आर कार इज़ येलो इन कलर. हमारी जो कार है वो येलो कलर की है. दे मतलब वो, और उनके घर के लिए हम क्या बोल रहे थे? देयर. तो देयर फादर इज़ अ टीचर. उनके फादर क्या हैं? टीचर हैं. द ब्लैक डॉग बिलोंग्स टू डैश अंकल. अंकल, अंकल कौन है? ही. तो ही के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है बच्चों? ही इज़, हमने देखा था. वैसे ही शी है तो शी के लिए हर. यू है तो योर. इट है, कोई एनिमल है तो इट्स. अगेन हम रिवाइज करते हैं. आई मीन्स माय. गर्ल शी है, शी का हर हो जाएगा. वी का आर. दे का देयर्स. ही बॉय है तो हीज. वैसे ही यहाँ पर शी का हर हुआ था, तो यहाँ पर भी शी का हर हो जाएगा. यू का योर और इट का इट्स. ओके, आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. सो कीप लर्निंग. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, सो टेल मी इन दी डाउट सेशन. ओके, थैंक यू.